सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। जेकर चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, वीडियो नू लाइक अते शेयर करना ना भुलना। तां दोस्तों जिवें कि तुहानू पता, एक्साइज इंस्पैक्टर दे जिहड़े एग्जाम होए सीगे अलग अलग विभागां दे, उच्च उद्योगिक अफसर हो गया, ब्लाक पद्धर अफसर हो गया, अबकारी अते कर निरीक्षक हो गया, इन्हां दी कल OMR शीट आउट हो चुकियां ने। ते दोस्तों हजे ऑब्जैक्शन लगनी बाकी है, पर उस तो पहला आपां जिहड़ी प्रिडिक्ट कट ऑफ दसन जा रहे हां कि स्टूडेंट्स दे किन्ने मार्क्स बन रहे सी, प्रिडिक्ट मार्क्स बिफोर ऑब्जेक्शंस, ते आपां उस मार्क्स दे हिसाब नाल कट ऑफ दसांगे। ते ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, तो दोस्तों ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, है ना भी, ये मतलब कि सिर्फ प्रिडिक्ट है, ये ना हो तुसीं मैनूं बाद च गालां कड्डो। ठीक है जी। तो देखो दोस्तों, टोटल अपने कोल पोस्टर्स हैगियां ने 168। ठीक है जी, 168 पोस्टर्स सी। तो आपां जेकर वर्गीकरण वेखिए, मतलब कि जिवें जनरल दियां 21 ने मेल्स लई, तो फीमेल्स लिए उन्होंने 6 रखिया ने, तो SC जेडे कास्ट मजहबी सिख उन्हां वास्ते 6 रखिया ने, तो फीमेल दे लिए 2 रखिया ने, इस तरह अलग अलग रखिया ने। तो दोस्तों ये कट ऑफ देखो, कट ऑफ किवें जाएगी, कट ऑफ देखो भी 168 था टोटल पोस्टा सी, है ना। तो अपना अपीयर किन्ने होए ने, मान के चलो दोस्तों जिमें कि आप लिख के लिए भी जिमें सिर्फ 6 पोस्टा सी, ठीक है, 6 पोस्टा सी, उसके लिए 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है ना, 6000 6 पोस्टा सी, 1000 बंदा अप्लाई कर लिया है, तो 6000 1000 विचों 6 बंदे चूज करने ने, तो कट ऑफ किवें जाएगी, तो तुसी खुद अंदाजा लाओ, हाई जाएगी। पर दोस्तों एक इतने मैं तुहाडे लई पॉजिटिव पॉइंट ये दसदा कि देखो, कट ऑफ चाहे हाई जाए, है ना, चाहे हाई चली जाए, मतलब कि 80 प्लस भी चली जाए, है ना, उहदे वास्ते पता की हुंदा, कई बच्चों को डाकूमेंट सही नहीं हुंदे। ठीक है जी, पॉजिटिव गल है सारे वास्ते, उन्होंने वास्ते नैगेटिव गल है जिन्हें डाकूमेंट पूरे नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों अपने को ना अपडेटेड डाकूमेंट चाहिए ने, जिहड़े रिजर्व कैटागरी वाले होंगे ने, तो कई बार वो की होंगे, वह पिछले डाकूमेंट्स कोई अपलोड कर देंगे ने, जिहड़ी कि बाद सिलेक्शन वेले उन्होंने प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। तो देखो कट ऑफ, कट ऑफ जिहड़ी होएगी जनरल दे लई, जनरल दे लई इस पोस्टा दे लई 75 प्लस रहन दी आस है। ठीक है जी, 70 प्लस तो जानी ही जानी है, 75 तक जाएगी, जिन्हां दे 75 प्लस नंबर पाल रहे ने प्रिडिक्ट मार्क्स दे विच, है ना, वह सोच सकते हैं भी हाँ जी शायद असी लग जाइए, शायद, ये भी पक्का कन्फर्म नहीं कह रहा, शायद असी लग जाइए, क्योंकि जिन्हें को मैंने नंबर दसे गए ने जनरल कैटागरी वाले बच्चे ने, मैं उन्होंने नंबर से बिहाव से कर रहा। ठीक है जी, तो 80 प्लस वाला जेकर कोई तुहाडे विचों 10 भी निकल आए तो बस तुहाडा काम खत्म है। ठीक है जी, सीधा सीधा साफ साफ स्पष्ट शब्दों के दस रहा, ये फीमेल भी नाल ही जानी है। ठीक है जी, फीमेल्स भी नाल ही जानी है। आप SC की गल करिए, SC तो पहला दोस्तों आप BC वेख ली, BC तो हमेशा ही जनरल के नाल ही रखा जाता, पर जेल वार्डर से थोड़ा अड रखता, चलो कोई गल नहीं, वो अलग गल है। तो इतने BC की आप देखिए, तो इन की 70 तो इन भी प्लस ही जानी है। ठीक है जी, 70 तो प्लस क्यों जानी, एक तो गल दोस्तों वेखो, 70 प्लस क्यों जानी, 6 सिर्फ पोस्टा ने। ठीक है जी, सिर्फ 6 पोस्टा ने, तुम आप ही सोचो BC वाले किन्ने सारे बच्चे ने, तो उन्होंने हाई रैंक वाले भी होंगे जिन्हें मतलब कि वध नंबर आए होंगे। ठीक है जी, तो फिर उस तो बाद आप सोच लिए SC वाले दोस्तों, इन्होंने छोट तो दी जाती है, पर एक गल सोचो जिमें कि अपने जेल वार्डर के पेपर में होया, हो सकता है SC के 100 बच्चों इतने जिमें 6 पोस्ट 5 ही पोस्टा ने सिर्फ, तो हो सकता कोई 10 बच्चे तो अजे होने दोस्तों जिन्हों के 70 प्लस नंबर बन जाए, हो सकता है ना, तो फिर इनकी कट ऑफ 70 प्लस भी जा सकती है। हो सकता है कि किसी के भी पैंठ तो उपर ना जाए चले जा, मतलब कि किसी भी पैंठ तो उपर ना गए हो, 100 पैंठ रह सकती है। तो दोस्तों ये प्रिडिक्ट नंबर जेडे मेरे को आए हैं उस दे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें दसदा, जेडे मैनू नंबर दसे गए सी दोस्तों वो सीगे 68 67 70 72, इतने तक दसे गए सी नंबर। ठीक है जी, तो इस हिसाब न तो इनकी बन रही है जी ना कट ऑफ, वो 66 को प्लस बन रही है, वह 66 प्लस बन रही है SC वाले की। ठीक है जी, 66 प्लस मतलब कि जेडे मेरे को नंबर आए थे, हो सकता है बात भी चली जाए, क्योंकि मेरे को सारे स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते, सिर्फ उन्होंने आते हैं जो अपने चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो इस तो बाद अपने EWS वाले आ गए, है ना, EWS इन्हों की दोस्तों पोस्टा बहुत ज़्यादा ही घट ने, बहुत ही ज़्यादा घट ने। ठीक है जी, आ देखो एक एक पोस्ट है इन वास्ते, हूँ की कट ऑफ दसीए, इन्हों तो सीधा ही भर्ती कर लेना है। ठीक है जी, सो जेकर तुसी इस पोस्टा दे विचों रह भी जाते हो तो नैगेटिव नहीं होना, पता क्यों, क्योंकि SSSB च क्लर्क दियां पोस्टा आउट होने वाली ने,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਪਲੱਸ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2000 ਪਲੱਸ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ SSSB 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।